समय एक जैसा नहीं रहता, समय बदलता है। आज इनकी सरकार है, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, हमेशा तो नहीं रहेंगे, कल तो जाएंगे ही जाएंगे, कभी ना कभी तो जाएंगे ही। उस टाइम भ्रष्टाचार मुक्त भारत होगा। कैसे? जितने चोर उचक्के हैं सारे एक ही कमरे में हैं, उनको पकड़ने में बड़ी आसानी होगी, ज्यादा जांच नहीं कर। सारों को ईडी सीबीआई दिखा के सारे देश के लुटेरों को इन्होंने अपनी पार्टी में इकट्ठा कर लिया। जिस दिन इनकी सरकार जाएगी और मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होंगे, बीजेपी वालों को जेल में डाल दो, देश भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी को भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया था, इस देश की जनता ने बहुत बड़ा, इतना भारी मैंडेट दिया था। वो चाहते तो इस देश की सूरत बदल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। वो चाहते तो इस देश को कहीं ना कहां, कहीं का कहीं ले जा सकते थे। क्या किया उन्होंने? देश में लूट मार, नफरत, लड़ाई, झगड़ा। आज हर आदमी डरा हुआ है देश के अंदर। सबको साथ लेके चलते जैसे हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, हम इनको भी साथ लेके चलते हैं, सबको साथ लेके चलते हैं हम लोग, सबको साथ लेके चलते। मनीष सिसोदिया ने इतने अच्छे स्कूल बना दिए, प्रधानमंत्री जी मनीष जी को बुला के कहते मैं तेरे को देश कार्य शिक्षा मंत्री बना रहा हूं, मनीष सिसोदिया जा 10 लाख स्कूल ठीक कर दे देश के, तब बड़ी बात होती। उनको इतना बड़ा मौका दिया देश के लोगों ने कि कुछ का कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सारा मौका, आज सारे डरे हुए। कल एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट आया था मेरे से मिलने के लिए, बोला जी एक एक करके सब लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, सब इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, विदेशों की सिटीजनशिप ले रहे हैं। क्यों, क्या जरूरत पड़ गई? बोले कभी ईडी, कभी सीबीआई, कभी इनकम टैक्स, कभी फलाना, कभी ढिंका, ऐसा डरा रखा है सब लोगों को, इन्होंने डरा रखा है, किसी को काम नहीं करने देते, ना खुद काम करते, ना किसी को काम करने देते, किसी को जीने नहीं देते, सब लोगों को डरा के रखते हैं। ये भी डरे पड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये दो को छोड़ के बाकी सारी बीजेपी भी डरी पड़ी है, बाकी सबका इनका भी यही हाल है। जितनी ऑपोजिशन की सरकारें हैं किसी को नहीं चलने देते। हमारी पंजाब में सरकार है, इस बार बजट सेशन नहीं होने दिया उनको। पंजाब सरकार का बजट सेशन कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाना पड़ा। गवर्नर कहता है मैं फाइल जाती है ना, हाउस की प्रोसीडिंग होने के लिए फाइल जाती है एलजी साहब के पास, जैसे वहां गवर्नर के पास जाती है, वो तो फुल स्टेट है। गवर्नर फाइल लेके बैठ गए। एक दिन भगवंत मान जी ने कोई चिट्ठी लिख दी थी गवर्नर साहब को, गवर्नर साहब को वो चिट्ठी पसंद नहीं आई, बोले मैं फाइल नहीं साइन करूंगा, बजट सेशन नहीं होगा। ये तो हद हो गई यार, बजट सेशन नहीं होगा, ये क्या बात हुई? सुप्रीम कोर्ट में भगवंत मान को जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में आदेश लेके आया। अभी तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट गई हुई है, बता रहे 12 बिल के ऊपर 6 महीने से गवर्नर बैठा, साइन नहीं कर रहा, किसी ऑपोजिशन की सरकार को काम नहीं करने देते। ये क्या कर रहे हैं? ऐसे देश तरक्की करेगा? भगवान ने बहुत बड़ा मौका दिया था, लेकिन उन्होंने पूरा मौका गवा दिया। मेरी अंत में इनसे यही गुजारिश है कि ये कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस, अब ये खेल खत्म करो यार। ट्राई करके देख लिया, नहीं बिकने वाले ये लोग, नहीं बिकेंगे, वहां हंस रहे हैं, नहीं बिकेंगे ये लोग, अब ट्राई मत करके देखना, ये लोग नहीं बिकने वाले। अभी 62 हैं हम लोग, उसके बाद 25 के बाद मैं उम्मीद करता हूँ वापस 67 हो जाएंगे हम लोग, और मैं इसका समर्थन करता हूँ।